हेलो एवरीवन, वेलकम टू राम एकेडमी। और आज हम 19 मार्च के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, तो चलिए करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 मार्च को। और ग्लोबल रिसाइकलिंग डे प्राकृतिक संसाधनों जैसे तेल, गैस, डीजल, इन सब का बहुत तेज़ी से उपयोग हो रहा है, तो इन सब के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे मनाया जाता है। और देखिए, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया गया था और 8 मार्च को विश्व महिला दिवस मनाया गया था। और देखिए, इस बार की जो थीम है में द रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ISSF शूटिंग विश्व कप 2021 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ISSF, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। ISSF का मुख्यालय कहाँ पे है? म्यूनिक जर्मनी में है। और देखिए, ISSF की स्थापना 1907 में हुई थी और ISSF के अध्यक्ष कौन है? व्लादिमीर लाइसेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्कर के लिए नामित होने वाले पहले मुस्लिम अभिनेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रिच अहमद। ए हैं रिच अहमद और ए ब्रिटिश पाकिस्तानी अभिनेता हैं। देखिए, ऑस्कर अवार्ड की स्थापना 19 मई 1920 में हुई थी। देखिए, ऑस्कर अवार्ड जिसे एकेडमी अवार्ड भी कहा जाता है, ए अमेरिका अवार्ड फंक्शन है जो फिल्म क्षेत्र में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंस द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की महिला पहलवान रितिका फोगट का निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। जो रितिका फोगट हैं वो गीता और बबीता की बहन थी, जो कि एक टूर्नामेंट में हारने के बाद इन्होंने आत्महत्या कर ली है। देखिए, ये हैं रितिका फोगट। बात हो रही हरियाणा की, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर और राजधानी है चंडीगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल वुमेन ऑफ कवरेज 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौशल्या शंकर को। ये हैं कौशल्या शंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा देश दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर फार्म का निर्माण कर रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। फ्लोटिंग सोलर फार्म, इसका निर्माण जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए किया जा रहा है। सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं और सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है। और देखिए, सिंगापुर की मुद्रा सिंगापुर डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने आवाम की बात योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा। और देखिए, मनोज सिन्हा ये जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। परियोजना का प्रसारण हर महीने के तीसरे रविवार को होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश की नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बहरीन। अब बात हो रही है, देखिए, बहरीन की, तो देखिए, बहरीन के प्रधानमंत्री सलमान क्राउन प्रिंस ऑफ बहराइन है। बहरीन की राजधानी मनामा है और बहरीन की मुद्रा बहरीन दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के किस प्रमुख सलाहकार ने निजी कारणों से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका सही आंसर है पीके सिन्हा। देखिए, पीके सिन्हा ए पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें कैबिनेट सचिव के लिए 3 बार एक्सटेंशन दिया गया है, मतलब इनका जो कार्यकाल है 3 बार बढ़ाया गया है। ए हैं पीके सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गुणवत्ता 2020 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा MA गणपति को। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। NSG की फुल फॉर्म होती है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। और देखिए, NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को। देखिए, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की महिला तलवारबाज भवानी देवी ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली कौन सी भारतीय तलवारबाज बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली, और यह है भवानी देवी, जो कि तमिलनाडु से हैं।
तो देखिए हमने 19 मार्च के सभी इंपोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर लिया। तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।